सा भाई एक था राजा, फाइनली बादशाह की एल्बम आ गई है। एल्बम का पहला गाना आ गया है, गाने का नाम है डाकू। और अगर तुमने इसका ट्रेलर देख लिया होगा तो तुम्हारी भी फट गई होगी, मेरी भी देख के फट गई थी। मतलब टैंक वैंक पूरा रशिया मॉस्को वैसा वाला सीन लग रहा था। एंड इस गाने में मुझे दिख रहा है कि इसमें इनके साथ है शर्बी यादव और इसकी म्यूजिक दी है हितेन ने। हितेन जो बादशाह के और भी बाकी सारे एपिक गानों के म्यूजिक दे चुके हैं, तो भैया सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी डाकू में क्या है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। डाकू, अच्छा ले भाई साहब, एक्स हो गया। मैं कैसे जाने दूं जब इतनी सारी चीजें हो रही, मैं क्यों जाने दूं ये बताओ। मैं काली गाड़ी वाड़ी बर्फ में, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मूवी के सीन्स देख रहा हूं। विजुअल्स टैंक वैंक चले आ रहे हैं ब्रो, क्या फक, क्या एग्रेसिव डॉग्स लग रहे हैं, क्या हॉट लग रही है जो भी। आई एम सॉरी, अगर I hope she's a model. That's it, Dara, but she's looking, yeah, whatever. Top pe pe bandi teri, top pe pe system. Chhod ke jo gaye mujhe, I don't really miss them. Do do baar banaye. यार बादशाह का जो ये वाला होता है ना, जब इनका ये वाला attitude होता है, वेरी don't give a fuck. वैसे ज़्यादातर बादशाह fuck देते भी नहीं है ना फ्री में, तो भाई तेरा है ना, तो है ना फक देते भी नहीं है। लेकिन जब ऐसी गानों से, ऐसे लिरिक्स से गाना शुरू हो रहा है, बादशाह भाई ऑल सेट अप विद दिस कैनन वाला फील आ रहा है यहाँ पे। कौन आएगा अपनी कैनन से उड़ा दो। ओह मैन दिस, अरे बाप रे भाई, मैं कह रहा हूँ जब बादशाह फक नहीं देता ना भाई, तब तो फक सीरो ज्यादा यार। मतलब पे बंदी तेरी टॉप पे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे, आई डोंट रियली मिस देम। दो दो बार बनाए मैंने करियर लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली दिस देम। सो कम दो बार बनाए, दो दो बनाए मैंने करियर, मैंने करियर लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली दिस। दो दो बनाए मैंने, दो दो बार बनाए मैंने करियर, दैट्स व्हाई आई रियली डोंट मिस देम, डिस देम, आई एम सॉरी, डिस देम। दो दो बार एक, आई अंडरस्टैंड कि रेफरेंस क्या है, किस लिए डिस बैक नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन दो बार, ओह मैन, दूसरा नाम नहीं, मैं नहीं लूंगा, है ना, मैं अकेले बोलूंगा तो बहुत पिटूंगा। मिस देम दो दो बार, मैंने करियर लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली लुक, द लुक ब्रो, द लुक, डैम भाई साहब। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट रैपर को देख रहा हूँ, मुझे वाली वाइब आ रही है। दिस टाइम सोल काम गाड़ी तीनों काली काली रात में, यार लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली, दिस टाइम सोल काम गाड़ी तीनों काली काली, सोल काम गाड़ी, ओके, काली रात में जा, सुनने दो यार, एक एक लिरिक्स को मजा ले रहा हूं मैं, ऐसे नहीं आगे बढ़ने वाला टाइम नहीं है, तो जाओ पढ़ाई करो। सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, कैमरे की सेटिंग सही करता हूँ, है ना, और आप पढ़ाई करो अगर टाइम नहीं है। तीनों काली काली रात में, ओके, तीनों काली और काली रात में, उड़ा दो लोगों पे जज्बात में, सोल काम गाड़ी तीनों काली काली रात में, लाखों उड़ा दो लोगों पे जज्बात में, मेरे जैसे पागल ही घूमे मेरे साथ में, गहरे हैं मतलब मेरी हर बात में, बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी जोर लगा लिया ते हम हाथ बात में, बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी, बॉम्बे में बैठे हैं, बॉम्बे को रूल कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम बॉलीवुड के नहीं है ब्रो, वी आर नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, है ना, हम दूसरी फील्ड से आके भी बॉम्बे जो बॉलीवुड के लिए जाना जाता है वहां पे बैठे हुए हैं। जोर लगा लिया ते हम हाथ नहीं, रैपरों वाली हमें कोई बात नहीं, घर खाली हाथ आए ऐसी। एक सेकंड, सबसे पहले जो है ना, वीडियो टीम को शत शत नमन, ये ना मैं बकर के मूड में होता हूँ, शत शत नमन है मेरा
भाई आप लोगों ने जो यहाँ पे कलर्स चूज करे हैं ना इस पूरे वीडियो के लिए, जहां पे खाली काले, डार्क टिंज ऑफ ब्लू है ना, उनका डार्क रेड इतना बढ़िया जा रहा है ना, इट्स लुकिंग सो सो फकिंग क्लासी, डैम डैम डैम। और जितने भी शॉट, जितने विजुअल्स, इतने एपिक है ना। एलवी का गमछा लिया भाई, गमछा ही बोलते क्या बोलते लेकिन ये क्या हाथों में विस्की है बादशाह भाई के हाथों में विस्की है? ओके, क्योंकि आज तक तो भाई भाई तो कुछ करता ही नहीं नशे जहां तक मुझे पता है। ओके, आप हाथ में विस्की, ओ माय गॉड, सीन तो गरम होते हुए भाई साहब, बादशाह के हाथों में विस्की आ गई। खाली हाथ आए ऐसी कोई रात तो नहीं, हाथों में विस्की है, काम किए जो सारे रिस्की है, सीन सड़क पे ही बनेगा आज, गाड़ी हटा लो ये किसकी है। लिरिक्स जैसे भी जाएंगे लेकिन उनको तो अपना थोड़ा दिल्ली वाला सीन भी तो लाना है ना, है ना। मतलब देख रहे अभी जितने लिरिक्स जा रहे थे है ना, वो दिल्ली वाला कुछ भी उसका रिलेटेबल नहीं था, लेकिन सीन बनेगा ही सड़क पे गाड़ी हटा ले किसकी है ना, तो अब थोड़ा दिल्ली पॉइंट आते हुए बनेगा आज, गाड़ी हटा ले किसकी है। एक सेकंड आ रहा हूँ हुक पे, जरा शॉर्ट वॉर्ट तो देख लो यार भाई, कार वार पे टैंक वैंक चढ़ रहे यार, ऐसे कैसे बनेगा आज, गाड़ी हटा ले किसकी है। अरे बाप रे, ऑर्गेज्मिक हुक बनाया है। शर्वी यादव, मैं आपका नाम पहली बार सुन रहा हूं लेकिन मुझे आपके गाने सुनने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। जो 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 केयर फ्री आवाज आ रही है ना, जो पैशनेट जो पैशन आ रहा है इनकी आवाज में, नेक्स्ट लेवल साउंड कर रहा है। लेकिन एक सेकेंड, जिस इंसान के बारे में अभी तक बात नहीं करी उनके आ रहे, जल्दी जल्दी बात करते तो उनके आ रहे बैंड में बात, हितेन म्यूजिक भाई, यू हैव किल्ड इट, व्हाट द फक ब्रो, क्या बीट बनाई है। इट्स नॉट अ हिप हॉप बीट व्यूअर्स मेरे, है ना, इतना ज्ञान आप थोड़ा समझ आपको आना चाहिए, ये हिप हॉप बीट नहीं है, ये मेरे हिसाब से बेस हाउस टाइप की म्यूजिक है, ठीक है, जिसमें हाउस म्यूजिक बेस के साथ गंदा चल रहा है। मैंने बहुत साल पहले एक गाना सुना था रॉक स्टार, जो पोस्ट मलोन का है ना, उसका एक रीमिक्स पड़ा हुआ है कुछ तो ऑनलाइन है, उसमें इस टाइप का था म्यूजिक। आई एम सो हैप्पी कि बादशाह ये साउंड लेके इंडिया में आए, क्योंकि मैंने ये साउंड इंडिया में नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है। मैं बाहर के गाने ढूंढता हूं है ना, उसमें मैं इस साउंड को ढूंढता, क्या मुझे साउंड का कोई बढ़िया बेस हाउस इंटेंस कोई गाना मिल जाए, और ये साउंड यहां पे आता है, डैम आई एम जस्ट सो सो इंप्रेस्ड बाय। हिला नहीं टॉप से, ना ही कोई प्लान है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी डैन है, ऐसे भी शहर है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई व्हाट टॉप से, ना ही कोई प्लान है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी डैन है, ऐसे मेरी डैन है। व्हाट इज डैन भाई, डैन ही बोला ना, कुछ और बोला, जो भी बोला बताओ। हिला नहीं टॉप से, ना ही कोई प्लान है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी डैन है, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर इंटीरियर टैन है ये जैन। बादशाह का एटीट्यूड इतना बढ़िया लग रहा है ना मेरे को, मेरे को यही वाला बादशाह पसंद है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, ठीक है। और इस वीडियो में देखो, ज्यादातर वीडियो में बादशाह के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, चाहे वो डांस वाले गाने भी हो ना, उसमें बादशाह जो है ना हंसते हंसते कम है ना, मजा आता मुझे वैसे देखने में, बट इस गाने में नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली। मैंने ऐसा बादशाह इससे पहले शायद ना ब्रो, इतना इंप्रेसिव वीडियो तो मैंने नहीं देखा भाई। देखो भाई, आई एम कमिंग फ्रॉम हिप हॉप तो मुझे थोड़ा अग्रेसिव साइड देखने में मजा आता है, इस गाने में ये देख रहे हो ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पीछे ड्रिफ्टे पड़ रही है बर्फ के ऊपर, यहाँ पे आदमी काला चोंगा पहन के अमीरों वाला खड़ा हुआ है, डैम हिला नहीं टॉप से, ना ही कोई टैंक वैंक के ऊपर पता नहीं कौन कौन सी गने लिए ब्रो, है ना, तो लाइक फक, दिस इज कॉल्ड लेवल अप। मेरे हिसाब से वीडियो का तो बिल्कुल वो इन्होंने सेट कर दिया भाई, अब कि ऐसे वीडियो होते हैं नेक्स्ट लेवल शिट। डैन है हेटरों को ढूंढो जैसे आई मेरी डैन है, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर इंटीरियर टैन ये जैन, डबल आर ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर इंटीरियर टैन ये, इसका सबटाइटल्स नहीं है, ओके, काली डबल आर है इंटीरियर है, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर इंटीरियर टैन ये टैन है,
एनजी के चौदह लो फाइस नहीं भार आर गंदे एंड लॉन्डो के गेम ओ माय गॉड अरे भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए ऐसा पर्दा नहीं हटाते यार क्या कर रहे हो मिस्टर बादशाह जी क्या कर रहे हो तो मेरे उनमें एक बात जरूर चल रही देखो यार आजकल इमोशनल गाने बहुत चल रहे हैं मुझे भी पसंद है यार मेरी उम्र तक जो ना बड़े सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं है ना मैं मिलेनियल हूँ है ना वही हूँ ना भाई मैं जो भी है ना तो मेरे को यही लगता था कि 16-17 साल के लौंडे आजकल इतना ज्यादा मतलब ठीक है अच्छी बात है दुखड़े गाने सुनो ठीक है लेकिन इतना दुख कहाँ से आ गया मतलब तुम्हारी उम्र में तो हम है ना तो मतलब हमें दुख नहीं होते थे कब थोड़े बहुत होते तो दारू पी के निकाल लो है ना नहीं दारू ना पीना सॉरी सॉरी मैं अपनी आत्मकथा शुरू कर देता हूँ है ना जेन जी के यार अगर बादशाह बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ अगर जेन मैंने कभी बोला नहीं है कैमरा पर ठीक है सो ये 14 वर्ड को वो नहीं करा इन्होंने क्या कहते हैं पंच नहीं करा मुझे बड़ी एज अ लिसनर बड़ी खुशी हो रही है मुझे बड़ा खराब लगता है जब गालियों को पंच करा जाता है तो हम बैन है काली डबल आर इंटीरियर टैन ये जेन जी के 14 लो चित्ती वाड़ी लाइन सुन रहा हूं मेरे मन में वो यंग यंग बच्चे आ रहे हैं जिनके दिल टूटे हुए आई एम सॉरी यंग बच्चों बट ऑनेस्टली मैं तुम्हारी उम्र में ना बहुत ज्यादा हार्डकोर हिप हॉप और रॉक म्यूजिक सुन रहा था ठीक है मैं अगर मैं दुखी भी होता था ना तो मैं कट माय लाइफ इनटू पीसेस सुन लेता था ठीक है या फिर मैं बुलेट फॉर में वैलेंटाइन के गाने सुन लेता था ठीक है तो मुझे मैं सैड होता था मैं गन्स एंड रोजेस सुन लेता था लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा सैड हो क्यों रहे हो और सैड गुस्से में हो गया ठीक है सॉरी 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 जेन जी आई लव यू ब्रो है ना आई लव यू है ना बादशाह भाई ने गाया ठीक है उनसे निपट जिन में हम बैन है काली डबल आर इंटीरियर टैन ये जेन जी के चौदह लो फाइस नहीं भार आर गंदे इन लौंडो के गेम नहीं संभाल पा रहे मरने को पड़ी बाजी फिर भी न मार पा रहे कल्ले नहीं आ रहे हम साथ में तूफान ला रहे हाइप है पहन के खड़ी है भाई ने को पड़ी बाजी फिर भी न मार पा रहे कल्ले नहीं आ रहे हम साथ में तूफान ला रहे हाइप है कितनी ये शो मेरा गवाही भरे कुछ भी न करे पट करे तो तबाही करे कितनी शो मेरा गवाही भरे कुछ भी न करे पट करे तो बाई करे गाड़ी और काम में लगते ब्रेक नहीं ज्यादा ना दिखे पर दिखे तो फिर देखनी हाथों में विस्की है अपनी थोड़ी सी खिसकी है गॉड खिसकी है तभी हाथों में विस्की है दिखे तो फिर देखनी हाथों में विस्की है अपनी थोड़ी सी खिसकी है हमको रोक ले जो गेंद में दम बैठे खिसकी है बाप रे सब क्या क्या हो रहा भाई अबे फाग यार भाई मैं वीडियो लाइक फाग भाई मैंने इससे ज्यादा ग्रैंड वीडियो इंडिया में नहीं देखा मैंने एक और देखा था वूडू वूडू मुझे बहुत सही लगा था जो भी उसमें चल रहा था जे बैलविन के साथ ऑब्वियसली ब्रो इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक है ना बट दिस वन फाग भाई साहब एक लड़की खाली वो भी डॉग्स को लेके चल रही है ठीक है लाइक है ना मतलब वो जो पूरा गैंगस्टर वाला सीन होता है ना पूरा जर्मन क्या जर्मनी ना जर्मन रशियन माफिया है ना वो वाला सीन पूरा रोक ले जो गेंद में दम बैठे किसकी है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन बुलाए मैं तुम्हें बता रहा हूँ डीप हाउस नहीं बेस हाउस म्यूजिक ही बोलेंगे ना अगर ऐसे बेस हाउस म्यूजिक सुनना है ना मैं तो इस साउंड का फैन हूँ ठीक है लाइक मेरे को तो बहुत ही मजा आते हैं ऐसे गाने सुनने ज्यादातर जो है ना रीमिक्स मिलते हैं तुम्हें यूट्यूब पे ढूंढना रीमिक्स मिलेंगे बेस हाउस रीमिक्सेस है ना गानों के मजा आते हैं आई एम सो मदरफकिंग हैप्पी राइट नाउ कि ये गाना यहाँ पे रिलीज करा गया इस साउंड के साथ लुक बड़ा कमाल का लग रहा है भाई साहब पता है बादशाह जो है ना पता है मुझे क्यों मजा आता देखने में क्योंकि मानो या ना मानो हर लौंडा अपने आप को ऐसी जगह देखना चाहता है मैं तो देखना चाहता हूँ कि मैं इतना ही भौकाल टैंक के सामने मारते हुए चल रहा हूँ मेरे वीडियो शीडियो बन रहे हैं ठीक है लाइक मैं तो चाहता हूँ भाई साहब
अगर तुम चाहते हो तो पुट ये हैंड्स अप लिख देना कमेंट सेक्शन में, है ना, मतलब हैंड्स अप मतलब यस लिख देना, जो भी मांगी है ना लिख देना। तो इसलिए मुझे देखने मजा आता है कि फाइनली कोई तो वैसा कर रहा है ना, है ना, लाइक जो मैं देखना चाहता था। तभी तो मुझे अपने रॉक स्टार्स पसंद थे कि वो ये करते थे जो मैं करना चाहता था, है ना। सो राइट नाउ बादशाह में हर लौंडा अपने आप को देख सकता है जो भी कुछ बहुत ग्रैंड करना चाहता है जीवन में। ओके ग्लेन वॉक, ठीक है, ये पीनी पड़ेगी। कितने की आती भाई कितने की आती, मैं तो शायद नाम ही पहली नहीं, ग्लेन वॉक कर, बट ठीक है, ग्लेन वॉक, द ग्लेन वॉक नहीं भाई, द स्कॉच विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, द ग्लेन वॉक, ग्लेन वॉक, एक बोतल भेज दो ग्लेन वॉक। लड़ गया भाई, बादशाह भाई की कैनन से ड्रोन लड़ गया। बट ऑनेस्टली आई डोंट नो मैन, देखो कभी कभी क्या होता है ना, देखो आई जस्ट ट्राई टू एंटरटेन ऑल यू गाइस, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि जैसा गाना आएगा उस हिसाब से मैं अपनी वाइब सेट करूंगा, ठीक है, भाइयों का मजा आना चाहिए। बट इस गाने में जो कैडे लेवल की चीजें हो रही थी, शब्दों की कमी हो चुकी है, वीडियो टीम फाड़ दिया, बादशाह भाई के एटीट्यूड ने फाड़ दिया, शर्वी यादव है ना, आपका नाम बहुत अच्छा सा है, मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन बहुत अलग यूनिक था, फर्स्ट टाइम सुना है, फाड़ दिया, हितेन म्यूजिक किल्ड इट, डैम ब्रो, ये स्टार्टिंग ऑफ द एल्बम है। तो आगे मैं बहुत एक्साइटेड देखने की एल्बम में क्या होने वाला है, बट डेफिनेटली ऐसा बैंगर बनाया है ना कि क्लब सीन को तो खाने वाला है, मासेस में भी बजेगा, हिप हॉप में भी बजेगा, हर जगह बजेगा। सो हैप्पी कि इन्होंने ये साउंड इंट्रोड्यूस करा हम लोग के बीच में लेके आए, बिकॉज डेफिनेटली आई जस्ट लव दिस साउंड। तुम लोग को गाना कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, कि डू यू फक विद दिस साउंड और नॉट, कमेंट में बताओ, है ना, लाइक जो भी है कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है @ofikino, बट डेफिनेटली किल इट, व्हाट एटीट्यूड मैन, व्हाट एटीट्यूड, व्हाट साउंड, नेक्स्ट लेवल वीडियो, रियली एक्साइटेड टू सी कि नेक्स्ट गाने में क्या करेंगे। ठीक है, चलो बाय, पीस।